गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9th। तो आपके पास जो 3.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी आपने क्या करना है, जो पोजीशन है आपकी टेबल लैंप की, जो टेबल पर रखा हुआ है उसकी जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करना है अनदर पर्सन के साथ, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। तो सपोज कीजिए कि आपके पास ये क्या है, आपकी टेबल है और ये यहाँ पर क्या रखा हुआ, आपका टेबल लैंप है। तो जो आपके पास जो आपकी टेबल है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो आपके पास अगर रेक्टेंगुलर आ गया, आप अगर टॉप से टेबल को क्या करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कहाँ से, टॉप से, तो आपके पास जो आपकी टेबल होगी वो कैसी दिखाई देगी, रेक्टेंगुलर दिखाई देगी। रेक्टेंगुलर होगी तो आपके पास जो उसके पास होंगे शॉर्टेज और लॉन्गेज, यानी एक आपके पास ये शॉर्टेज होगा आपका, शॉर्टर एज, और ये आपके पास जो होगा ये क्या होगा, आपका लॉन्गर एज। तो यहाँ पर आपके पास अपोजिट साइड होती है वो रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की क्या होती है आपके पास, इक्वल होती है। तो ये आपके पास अपोजिट साइड क्या हो गई, इक्वल हो जाएगी। अगर ये आपके पास लॉन्गर एज है तो ये भी आपका क्या होगा, लॉन्गर एज होगा। ये शॉर्टर एज है तो ये भी आपका क्या होगा, शॉर्टर एज होगा। और इस पर जो ये टेबल लैंप रखा हुआ है इसकी आपने पोजिशन को डिस्क्राइब करना है। तो अब आपको क्या करना है, आपने क्या लेने, टू एजेज लेने हैं जो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से। तो आप लेंगे तो आपको देखना है कि जो शॉर्टर एज है वहाँ से आपने जो आपकी टेबल लैंप की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 30 मीटर। आपने क्या किए, लाइट की, यानी सपोज किए यहाँ पर, अज्यूम किए आपने कि जो आपके पास जो शॉर्टर एज है आपका, वहाँ से आपका जो टेबल लैंप है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। और जो आपके पास जो लॉन्ग एज है आपका, लॉन्गर जो एज है वहाँ से जो आपका टेबल लैंप है उसकी जो पोजिशन है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो यानी आपके पास जो आपने मेजरमेंट लिया है तो आप क्या कहेंगे, वी कैन राइट द पोजिशन ऑफ द टेबल लैंप इज 30-25। यानी आपके पास क्या होगा, 30-25 और 25-30, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू एक्सिस। यानी एक्सिस ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ एक्सिस वी फिक्स, हम जिसको फिक्स करेंगे। मान लीजिए आपने एक्स एक्सिस को फिक्स किया, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या, आपकी 25। अगर आप एक्स एक्सिस को इसको मानेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 25 आएगी, और वाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 30 आएगी। यानी ये आपके पास वाई की वैल्यू होगी। अगर आप इसको डिपेंड करेंगे, आपका जो ये होगा वो एक्स एक्सिस होगा और ये आपका वाई एक्सिस होगा। तो x एक्सिस होगा तो जो ये डिस्टेंस होगी, x की वैल्यू क्या होगी आपकी, 30 होगी, और ये जो वैल्यू होगी आपकी ये क्या होगी आपकी, 25 होगी। यानी जो ये आपका आंसर होगा ये डिपेंड किस पर करेगा, आपका एक्सिस पर, कि आप एक्सिस को क्या लेते हैं। यहाँ पर आपके पास जो नोट है वो गिवन है, स्टूडेंट मे सपोज डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एजिज। आप यहाँ से आप जो आपके जो एजिज हैं वहाँ से आपकी जो टेबल लैंप की जो पोजिशन है वहाँ से आप क्या ले सकते हो, डिफरेंट डिस्टेंस भी ले सकते हो। आप 15-25 भी ले सकते हो, 2100 भी ले सकते हो, आप कोई भी डिस्टेंस को यहाँ से अज्यूम कर सकते हो। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, ए सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These two roads are along the north south direction and east west direction। यानी सबसे पहले आपके पास आपको direction क्लियर होनी चाहिए। जो आपकी direction होगी आपके पास क्या है, जो आपका right hand है वहाँ पर आपके पास east होगा, उसके opposite क्या होगा आपकी west direction होगी। आपके ऊपर की तरफ क्या है, north है, तो नीचे की तरफ क्या है आपकी, south direction होगी। यानी east west north south ये आपकी क्या है, direction है। All अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। यानी आपके पास जो ईच डायरेक्शन है वहाँ पर क्या है आपके पास, 5
स्ट्रीट है इन ईच डायरेक्शन। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन। यानी जो आपके पास स्ट्रीट है, जो रोड है आपके पास, उनको आपने सिंगल लाइन से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट, 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो आपके पास एक है वो क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, एंड अनोदर इन द वेस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट्स इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2.5। यानी जहाँ पर आपकी जो ये स्ट्रीट है, यानी आपके पास क्या है, 2nd और 5th, ये जो आपके पास मीट करेगी उनको आपने कौन से कोऑर्डिनेट से जाना है, 2 और 5 से। यूजिंग दिस कन्वर्सेशन फाइंड, आपके पास जो ये आपके क्वेश्चन है इनके आपने आंसर करने। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4, 3। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू 3, 4। तो यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास डायरेक्शन आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपके पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमने सबसे पहले 2 लाइन आपको ड्रॉ करेंगे, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप। यानी ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन एज 2 मेन रोड्स ऑफ द सिटी क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर। यानी ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास क्या है, ईस्ट है, ये आपके पास क्या है, वेस्ट डायरेक्शन, और ये आपके पास क्या है, साउथ डायरेक्शन है। आपके पास जो यहाँ से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट है, तो आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, मार्क एट इट नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट वेस्ट। जो आपने नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट को क्या करना है, मार्क करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेट अस टेक स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। यानी आपका जो स्केल है उस पर जो 1 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, 200 मीटर के, जो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। अब आपके पास क्या है, जो नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ और साउथ और वेस्ट और ईस्ट से आपने क्या करनी है, 5 स्ट्रीट ड्रॉ करनी है। तो ये आपके पास स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, 4 एंड 5, ये किस डायरेक्शन में आपके पास, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। और ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, जो ये 5 स्ट्रीट है ये आपके पास किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपके पास 5 स्ट्रीट है। अब आपके पास आपकी क्या है, 2nd स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी नॉर्थ से आपकी जो साउथ डायरेक्शन में जो 2nd आपकी स्ट्रीट है वो कौन सी है, ये वाली स्ट्रीट है। और आपके पास जो 5th स्ट्रीट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यानी ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन आपकी, ये डायरेक्शन होगी, इसमें जो आपकी जो 5th स्ट्रीट है वो ये है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास जो यहाँ से ये क्रॉस करेगी, तो इस पॉइंट पर ये क्या करेगी, क्रॉस करेगी, और जो ये पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा, 2.5, क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा ये आपका 2.5। तो आपके पास अब जो नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी का आपने यूज करके बताना, इन हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4, 3। अब 4, 3 का मीन्स क्या है, 4 का मीन्स क्या है, आपके पास कौन सी डायरेक्शन है, यानी आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आपके पास कौन सी स्ट्रीट लेनी है आपने, 4th, ये आपके पास 4th आपकी स्ट्रीट है। और आपके पास जो दूसरी डायरेक्शन है, जो बची हुई डायरेक्शन, उसमें कौन सी लेनी है आपने, 3, 3 किस में लेनी है आपने, ईस्ट वेस्ट, जो आपके पास ईस्ट वेस्ट है उसमें क्या आपके पास 3। तो जो आपके पास इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा आपका क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा आपका इंटरसेक्शन। तो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये क्या होगा आपके पास, 4.3, क्या होगा, 4.3। तो यहाँ पर आपके पास जो ये लाइन होगी आपके पास ये क्या करेगी, देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स विच कैन रेफर्ड एज 4.3। यानी 4.3 से जो रेफर्ड होगी ओनली एंड ओनली आपकी क्या होगी, 1 लाइन होगी, ओनली एंड ओनली 1 लाइन।
यानी आपका जो फर्स्ट उसमें क्या है, देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 4,3। अब आपके पास जो सेकेंड है आपका 3,4, तो यानी मीन्स आपका जो 3 होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और जो 4 होगा आपका फोर्थ जो स्ट्रीट है वो किस में है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो यानी आपको जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसमें आपने कौन सी लेनी है, थर्ड वाली लेनी है, ये वाली, और आपके पास जो ईस्ट वेस्ट है उसमें आपने लेनी है फोर्थ वाली। तो आपके पास ये दोनों लाइन होगी, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा ये क्या होगा, 3,4। तो जो ये 3,4 पॉइंट होगा तो मीन्स यहाँ पर भी आपका जो आंसर होगा क्या होगा, देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट्स विच कैन बी रेफर्ड 3,4। यानी आपके पास यहाँ से भी ओनली वन स्ट्रीट क्या होगी, आपके पास पास होगी, और यहाँ से भी क्या होगी, वन स्ट्रीट होगी जो इस पॉइंट को क्या करेगी, रेफर करेगी। यानी इस वीडियो में हमने इन दोनों क्वेश्चंस के साथ एक्सरसाइज 3.1 को क्या किया है, कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।